ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਸੀ ਦੋ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਮਾਰਿਆ ਠੀਕ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ ਆਇਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ सारे कट्ठे हो गए फायर ब्रिगेड आ गई जाने मां माई जो मंजूर सी ठीक है कोई नहीं जान बख्श उन्होंने करती फिर हादसा नहीं होया कोई मंदिर का ही हो गया मैं भाई सवेरे 7 बजे ना जोर चला के थले उतरिया जोर चलती भी है मैं मंदिर चल गया ठीक सी दो गेड़ा गुड़ा मारे ठीक ही मैं मंदिर चल गया आया अचानक ही अग लग गई जोर कितने चलाई मंदिर बने उत्ते कोई हाँ जी मंदिर बनया माता रानी का सारा आसन पिया है फोटो लगिया मूर्तियां बनिया माता रानी दी मंदिर बनया वधिया ठीक ठीक है किन्ने बजे जोत गई किन्ने बजे अग लगी है मैं 7:30-7:30 बजे ना चलाई जोत 10:30 बजे ना लग गई अग थले 10 पता किस तरह लगा अग लगी पता उत्ते आए ही देखने वास्ते देखा अग लग गई तो बाद बजाते रौला पै गया सारे पासे सारे कट्ठे हो गए फायर ब्रिगेड आ गई फायर ब्रिगेड कितने चिर आ गई फायर ब्रिगेड फोन करता ही पुलिस वाले ने तो आ गई आधे घंटे तक आ गई सी जल्दी ठीक ठीक है इस कोई नुकसान तो नहीं हो किसी जानी माली नुकसान नहीं जानी माली नुकसान नहीं होया हाँ जी की कहना चाहते तुम जिदा घटना हुई की कहना चाहते जी मां माई ने जो मंजूर सी ठीक है कोई नहीं जान बख्श उन्होंने करती फिर हादसा नहीं होया कोई मंदिर का ही हो गया अग लगी सर एक ना बिलपुर अपने पिंड आए थे मौके पर उन्होंने उपर माउंटी के एक छोटा मंदिर बनाया माता जी का तो कहते जोत तो उन्होंने मतलब अग वगैरह लग गई सी तो मौके पर देखा तो फिर फायर ब्रिगेड ने किया असं भी आए हैं मौके पर सारे ने पिंड के लोगों ने मिल जुल के सारे ने पग बुझाती ये सारा कुदरती जी तो सहबन होया वा जानी कोई भी नहीं है उपर बस जो मंदिर हूँ स्थिति काबू जी हाँ ठीक है बिलकुल जी कोई गल बात नहीं ठीक हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ।